अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एहसन फारूक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत होंगे। आज की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आपका भाई हाजिर है। और सबसे पहले कल की जो हमने प्रिडिक्शंस की थी उनका जिक्र करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और फिर आज मार्केट हमें क्या बताती है जल्दी से उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, गोल्ड का हमने आपको बताया था कि गोल्ड जो है अभी भी बाइंग में है और ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो आप बाय करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसने तकरीबन 1861 से ऊपर जो है वो बाय किया और तकरीबन आपको 90 पिप्स जो है वो आपको जो है प्रॉफिट दिया मिला इसमें, अगर हम एग्जैक्ट देखें तो 90 पिप्स। और इसमें आपको बताया था कि स्टॉप लॉस जो है वो आप ब्रेक इवन पे साथ साथ कर सकते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये ट्रेड हमारी काफ़ी जो है बेहतरीन गई। BTC की अगर हम बात करें तो जो हमने लेवल दिया था वो लेवल जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट जो है एक ही जगह पे रही। तो इंशाल्लाह हम आज जो है वो देखेंगे कि मार्केट हमें क्या बताती है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की। यहाँ पे वो लोग जो मुझसे जानते मैसेज करते हैं अक्सर कि मैं इतनी परफेक्ट प्रिडिक्शंस किस तरीके से कर लेता हूँ वगैरह वगैरह, और इतना ये जो है मींस के लेवल्स एक्यूरेट कैसे होते हैं, मुझे कैसे पता लगता है मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। सबसे आसान चीज़ है स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर, आंखें बंद करके आप देख सकते हैं उससे। सिर्फ आपने उसको इस चार्ट पे लगाना है, वो आपको बता देगा कि पूरी दुनिया इस वक्त कहाँ है। फर्ज कर लें कि अभी मैंने देखा कि लोग सेलिंग में, एक मिसाल दे रहा हूँ, 90% लोग सेलिंग में, मेरा ये मानना है फॉरेक्स में 90% लोग जो है पैसा डुबाते हैं, ठीक है। आपने चुप करके, पूरी दुनिया सेल में बैठी हुई है, ना न्यूज़ देखनी है ना कुछ देखना है, चुप करके आंखें बंद करके बाय कर देनी है। सिर्फ आपको एक अच्छा लेवल चाहिए कि बाय आपने कहां से करनी है। ये है स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर, और यही वजह है कि हमारी पिछली तमाम वीडियोज उठा के देख लें 90% से ऊपर एक्यूरेसी है, 10 में से एक ट्रेड नुकसान देती है, बाकी 9 की 9 परफेक्ट होती हैं। और स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी माशाल्लाह कमा रहे हैं गारंटी के साथ, लाख लाख डॉलर्स का विड्रॉ जो है वो आप लोगों ने मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे भी देखा होगा, लोगों का बकायदा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अच्छा, गोल्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखते हैं कि गोल्ड एक बहुत अच्छे लेवल से जो है वो गिरा है, और यहाँ पे जब गोल्ड ने ये एरिया ब्रेक किया था तो बहुत सारे जो पैनिक सेलर्स थे उन्होंने ये H1 की कैंडल क्लोज होने पे, इन्हें लगा कि मार्केट अब मजीद बाय में जाएगी तो अपनी सेलें उन्होंने काटना शुरू कर दी। मेरे हिसाब से गोल्ड का ट्रेंड जो है वो अभी भी बाइंग की तरफ है, क्योंकि अभी भी लोग बैठे हुए हैं बाइंग में। गोल्ड अभी जो है वो जा रहा है किधर, इस जानेब। यहाँ पे गोल्ड का जो अगला स्टेशन है वो तकरीबन आप कह लें कि अभी 100 पिप्स यहाँ से और नीचे गोल्ड ने जाना है 1850-1849 तक, उसके बाद ये एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा आपके लिए। यहाँ पे गोल्ड अगर आता है और H1 बाय में बनाता है, ठीक है, लेवल्स हाउ टू ट्रेड ऑन इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरी वीडियो पड़ी हुई है वो लाजमी देखें। तो एक मिनट, ये आपकी जो है पहले आपने सेल की, ठीक है, 100 पिप्स आपको सेल दे के जाएगी, उसके बाद यहाँ से आप बाय करेंगे तकरीबन 200 पिप्स ये बाय दे जाएगी आपको, और स्टॉप लॉस इसमें जो है आपका तकरीबन 70 पिप्स का आप रख लें, ठीक है। इन केस ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो आपने वेट करना है इसका, यहाँ से 50 पॉइंट्स गिरने का, एरिया क्या है 1850-50, ठीक है, उसके बाद आपने वेट करना है दोबारा इसी पॉइंट पे आने का जो कि लाजमी आएगा, और उसके बाद H4 अगर सेल में बनता है तो आपका टारगेट होगा 1830, टेक प्रॉफिट आपका होगा 1830 जो कि तकरीबन 250 पिप्स बनेंगे, और आपका स्टॉप लॉस होगा तकरीबन 100 पिप्स का, ठीक हो गया गाइस। ये हमारी गोल्ड की ट्रेड है और उम्मीद करता हूँ कि ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। BTC की अगर बात करें तो BTC D1 पे जो मैंने कल आपको लेवल बताया था कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, उस इम्पॉर्टेंट लेवल को जो है उसने क्या कहते हैं रिस्पेक्ट किया है। अब BTC का हम वही बात करेंगे कि अगर इसने और मजीद नीचे घिरना है 50,000 की तरफ अगर इसने जाना है तो इसको ये लेवल जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा जो कि है 58445। ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो BTC जो है मजीद 50,000 डॉलर्स की तरफ आएगा, यानी कि यहाँ से मजीद 8,000 डॉलर जो है BTC नीचे गिरेगा, ठीक हो गया। अच्छा,
अगर हम बाइंग देखें तो बाइंग के लिए ये एरिया जो है, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि कल आप देख सकते हैं इस एरिया को, उसने काफी बार टच किया मगर इस एरिया को ब्रेक नहीं कर सका, तो कितना बेहतरीन तरीके से इस एरिया को उसने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, अगर ये एरिया ब्रेक होता है जो कि है 5, 6, 1, 1, 3, 9, 200-300 डॉलर आगे पीछे हो सकते हैं। हाँ, तो ये पत्थर पे लकीर नहीं होता, तो ये एरिया ब्रेक होने पे तकरीबन BTC जो है आपको 70,000 डॉलर पर क्वाइन दिख सकता है। तो ये सिंपल सा हमारे पास BTC का जो है वो एरिया, इनमें से जो भी एरिया ब्रेक होगा इंशाल्लाह हम उस तरफ जो है ट्रेड लेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो लाजमी शेयर किया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों के लिए रोज हम लोग सारी चीजें निकाल रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इतना हमारा हक बनता है कि आप लोग वीडियो लाजमी शेयर करें। जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो काइंडली पूरी देखा करें। मैं पूरा डिटेल में समझा रहा होता हूँ। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि बस वो लाइनें देख के ट्रेड लगा के बैठ जाते हैं और बाद में फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, जम के पैसे कमाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।